तो अब हम पढ़ चुके हैं कि रेखाओं के समीकरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। पांच प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े हैं। अब हम देखते हैं अवधान प्रक्रिया के द्वारा इन सभी प्रकारों को याद कैसे रखा जा सकता है। देखिए, अवधान प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया आपको बताती है कि किस तरीके से आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे अपने माइंड में कैसे मैप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर हमारे पास पांच प्रकार है तो हम एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसके पांच डायमेंशन होंगे। तो इसके लिए हम एक स्टार की आकृति को लेते हैं। देखिए, वो आकृति कुछ इस तरीके से होगी। अब देखिए, इस आकृति में हम लोग यहां देख सकते हैं कि हमारे पास इसके एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच अलग अलग डायमेंशन जा रहे हैं। तो जो चीजें हमें याद रखने के लिए पांच चीजें दिख रही हैं वो हम इस पे ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था बिंदु ढाल रूप, तो हम इसको यहां पर लेते हैं। बिंदु ढाल रूप, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, ये सारे हमारे पास ये सब है प्रकार। किसके प्रकार? रेखा के समीकरण के प्रकार। तो पहला प्रकार हमने देखा बिंदु ढाल रूप। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार था हमारे पास दो बिंदु रूप। फिर हमने देखा था ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप के बाद हमारे पास था अंतःखंड रूप। और सबसे आखिर में हमने देखा लंब रूप। तो हम यहां पर जो लिख रहे हैं ये सारा हमारे, ये जो हमने ग्राफ बनाया ये हमने अवधान ग्राफ बनाया है। अवधान ग्राफ को देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे वो भी किस तरीके से पढ़ेंगे, घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। सबसे पहले जो हमने किया वो आया बिंदु ढाल रूप। फिर घड़ी की तरीके से चलते हैं तो नेक्स्ट हमने किया दो बिंदु रूप। फिर हमने किया ढाल अंत्यखंड रूप। उसके बाद हम आए अंत्यखंड रूप पे। और फिर सबसे आखिर में हम लोग आए लंब रूप पे। अब ये ग्राफ अगर हम हमारे माइंड में याद रख सकते हैं तो हमें हमेशा याद रहेगा कि रेखा के समीकरण के प्रकार क्या क्या होते हैं।